बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच एक बार फिर मजदूरों का पैदल सफर जारी हुआ है। कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाले यात्री वाहनों को रोकने का आदेश जारी किया है, जिसके पश्चात मजदूरी करने वाले महाराष्ट्र गए मध्य प्रदेश निवासी परेशान हो रहे हैं। मजदूरी कर होली और भोगरिया पर्व पर वापस लौट रहे हैं, ऐसे में उनकी गाड़ी को मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा बिजासन पर रोका जा रहा है, जिसके बाद मजदूर गाड़ी से उतर पैदल चलने को मजबूर हो गए। नासिक से मजदूरी कर लौट रहे बड़गांव निवासी भंगा ने बताया कि वह नासिक से होली और भोगरिया पर्व मनाने के लिए गांव आ रहे थे, परंतु मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा बिजासन पुलिस वालों ने हमें गाड़ी से नीचे उतार दिया, इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। यहां से 25 से 30 किलोमीटर दूर हमारा गाँव है। हम 10 से 12 लोग हैं और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हम पैदल जाने को मजबूर हैं। बड़वानी जिले के बड़ी बिजासन से सचिन जायसवाल की रिपोर्ट। तो आपका गांव यहां से कितनी दूरी पे है? बिजासन से मंदिर 25 किलोमीटर है यहां। 25 किलोमीटर है। बच्चे भी साथ में आपके? हाँ, बच्चे भी हैं, छोटे छोटे। काय के लिए जा रहे हो? होली का त्यौहार मनाने के लिए जा रहे हैं। आप क्या चाहते हो, सरकार से क्या चाहते हो? ऐसा क्यों हो रहा है, यही चाहते हम लोगों को परेशान क्यों हो रही। क्या नाम है तुम्हारा? भंगा। पिता का नाम? कैलाश। कहाँ के हो? मंदिर के बड़गांव के बाजू। कहाँ से आ रहे हो? नासिक से। कहाँ जा रहे हैं? बड़गांव जा रहे हैं। बड़गांव जा रहे हैं। तो अभी आप पैदल क्यों आ रहे हो? घर आए थे कंपनी गाड़ी में, तो पुलिस वाले ने रोक लिया गाड़ी। कहाँ पे रोका? यह बिजासनी घाटे पे, मंदिर हाँ, के सामने। फिर क्या बोले पुलिस वाले? तो नीचे उतरो बोले। हाँ, उतर गया हूँ। पैदल जाओ बोल रहे। पैदल जा रहे हो अभी आप? हाँ। कितने लोग हो? 10-15 लोग है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।